ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के ड्रिंक्स आपको पीने चाहिए गर्मी भगाने के लिए। आप सभी को पता होगा कि गर्मी की वजह से अक्सर हम सभी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और डिहाइड्रेशन के साथ साथ हमारे गर्मी की वजह से हम लोग हमारे शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए बहुत तरह तरह के ड्रिंक्स पीते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से आपके शरीर का काफ़ी फायदा हो सकता है। पर दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक जैसे ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं तो अभी के अभी रोक दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं हमारे शरीर को ठंडक नहीं देते, हमारे शरीर को अंदर से ख़राब कर देते हैं। इसलिए आपको आज मैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स बताऊंगी जिनकी वजह से आपका शरीर हेल्दी और काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा गर्मी के साथ। तो चलिए चालू करते हैं। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप सभी को गर्मियों में तरबूज का जूस पीना चाहिए। तरबूज का जूस हमारे शरीर को ठंडक देता है, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। तरबूज का जो जूस है, हमारे शरीर में जो वाटर लेवल कम हो जाता है गर्मियों की वजह से, उसे कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ तरबूज के जूस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं हमारे शरीर के लिए। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि गर्मियों में आपको तरबूज का जूस पक्का पीना चाहिए और आप जितना भी पी लें अच्छा ही है आपके शरीर के लिए। और इस जूस में आप थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं और बर्फ़ के कुछ टुकड़े भी इसमें डालकर पी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ड्रिंक आपके लिए है तरबूज का जूस। इसके बाद मैं आपको दूसरे जूस के बारे में बताऊंगी, वो है बेल का जूस। बेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बेल के फल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से हमारे शरीर की जो गर्माहट है वो ख़त्म होकर हमारे शरीर में ठंडक होती है। बेल के फल के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं हमारे शरीर के लिए। इसलिए बेल का रस अगर आप पीना चाहें तो भी पी सकते हैं। इसे बनाना भी काफ़ी आसान है और इसके पीने की वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छे से रहेगा और गर्मियों की वजह से जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है उनसे भी आप दूर रहेंगे। इसलिए गर्मियों में अगर आपको कुछ पीने का मन करे बार बार तो बेल का जूस पक्का पीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको और कुछ पीने का मन हो तो आपको नींबू पानी ज़रूर पीना चाहिए। नींबू पानी बनाने में भी काफ़ी आसान है और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नींबू पानी की वजह से हमारे शरीर में डाइजेशन अच्छे से होता है, हमारा शरीर काफ़ी एक्टिव हो जाता है, हमारे शरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो जाता है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ हम हमारे वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं नींबू पानी की वजह से। इसलिए अगर आपको गर्मियों में कुछ पीने का मन करे तो नींबू पानी भी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेरे सजेशन आपके लिए। अगर आप इन ड्रिंक्स को गर्मियों में पियेंगे तो आपके शरीर को काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।